इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने। अच्छा, जैसे धोखे में जमात से पहले फर्ज पढ़ लिए, यानी कोई शख्स मस्जिद में गया और मसलन ये कि जोहर पढ़ने गया और उसने जोहर की चार सुन्नतें पढ़नी थी, उसने बेध्यानी में सुन्नतें भी पढ़ ली, फ़र्ज़ भी पढ़ ली, बाद की सुन्नतें भी पढ़ ली, तो अब जो है वो उसको क्या करना चाहिए? यानी धोखे में कभी ऐसा होता है कि बंदा ये भूल जाता है कि मैं जमात से नमाज़ पढ़ने आया और बेध्यानी में अपने फ़र्ज़ पढ़ लेता है, और इस तरह का मामला मस्जिद में अक्सर जो है वो पेश आता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो अगर मस्जिद से जाहिर है कि जब किसी ने अपने फ़र्ज़ वगैरह सब पढ़ लिए और अब जब जमात खड़ी होगी और ये घर वापस आएगा कि ये फ़र्ज़ अपने पढ़ चुका है और इसको ये ख्याल नहीं रहा कि वो मस्जिद में है और इसने फ़र्ज़ की नियत बांध ली सुन्नत पढ़ के और मुकम्मल करने के बाद, अब अगर ये मस्जिद से बाहर निकलेगा तो लोगों के तंज का भी बाइस बनेगा, लोगों के ताना जनी का, और लोग गइबत करेंगे और चार बातें भी इस तरीके से बनाएंगे कि नमाज के टाइम पर बाहर गया, और मुमकिन है कि इसके बद मजहब होने का भी गुमान करें कि शायद ये सुन्नी नहीं है इसलिए हमारी जमात में शामिल नहीं हुआ। तो इस एतबार में अगर ये मसला किसी के साथ जोहर की नमाज में और ईशा की नमाज में दरपेश है तो ऐसी सूरत में इस फितने को, यानी फितने के खौफ से बचने के लिए आदमी जमात में शामिल हो सकता है, क्योंकि इन वक्तों में नवाफिल जो है वो जायज़ है। अगर जो उसकी नफिल नमाज हो जाएगी लेकिन इस सूरत में वो जमात में शामिल हो जाए कि जबकि बाहर आने का फितना हो, और अगर वक्त इतना हो जैसे अजान होते ही ये शख्स मस्जिद में चला गया, अभी नमाजी नहीं आए और ये बेध्यानी में इसने मुकम्मल नमाज कर ली और अभी कोई शख्स नहीं आया, ये आना चाहे फितने का अंदेशा ना हो तो ये घर वापस आ सकता है, और अगर ईशा में जोहर में ही जमात में शामिल हो सकता है जबकि लोग मौजूद हो और ये अपने फ़र्ज़ पढ़ चुका हो, लोग मौजूद हो। और कभी ऐसा होता है कि बंदा अपने घर से सुन्नतें पढ़ने के बजाय सुन्नत फ़र्ज़ मुकम्मल करता है, धोखे में मस्जिद में चला जाता अपनी आदत के मुताबिक और वहाँ जाकर सफ़ में बैठ जाता है, फिर उसे याद आता है कि घर पर नमाज़ पढ़ चुका है या भूल जाता है कहीं और पढ़ के आता है और बेध्यानी में मस्जिद में जाके शामिल होता है, तो इन सूरतों में अगर जोहर और ईशा है और बाहर आने से फितने का खौफ है तो ये जमात में शामिल हो सकता है। और अगर मामला ये है कि असर का है या मगरिब का या फिर फजर का, तो ऐसी सूरत में क्योंकि इन नमाज़ों में बाद में नफिल नहीं होती, ना तो असर के बाद है ना फजर के फौरन बाद है, और इसी तरह मगरिब तीन रकात नहीं हो सकती नफिल, तो इसलिए मगरिब में शामिल नहीं हो सकता कि नफिल तीन रकात नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरत में इसको बाहर आने की इजाज़त है। पत्थर में असर लाले पुरनवा